नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नेपाल द्वारा नक्शे के जरिए भारत को आंख दिखाने के विवाद में बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नेपाल को चाइना का कुत्ता कह डाला। वही भाजपा विधायक ने नेपाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे कुत्तों को भारत के सैनिक पत्थर मार के भगा देंगे। भाजपा विधायक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि भारत के लोग अगर नेपाल की तरफ लघुशंका यानी कि पेशाब कर दें तो नेपाल बह जाएगा। चाइना को उसकी औकात में रहने की धमकी देते हुए नेताजी ने कहा कि विश्व की कई शक्तियां भारत के साथ हैं, ऐसे में आज की भारतीय सेना नेहरू के जमाने की सेना नहीं है जो गोलियों के बदले कबूतर छोड़ा करती थी। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाला वक्त आएगा तो भारत परमाणु हमला भी कर सकता है। क्या ये आप मानते हैं कि नेपाल की उतनी हैसियत नहीं कि जो भारत से लड़ाई और युद्ध कर सके? वो किसके बल पर ये कर रहा है? चाइना के बल पर। चाइना का कुत्ता है वो, चाइना का इस समय कुत्ता बना हुआ है। और तो चाइना का कुत्ता कितने दिन तक चलेगा? कुत्ता को तो हम लोग, हमारे सैनिक कुत्तों को तो ढेला से भगा देंगे। ये कुत्तों को कौन पूछता है? चाइना की ताकत नहीं। आप लोग देखे नहीं हमारा डुकलांग में 300 मीटर की दूरी पर केवल फैट लातों से मार करके फुटबॉल की तरह से खेल करके भगा दिए थे। अब ये ध्यान रखे, चाइना चाहे नेपाल चाहे पाकिस्तान, जो जैसा करेगा उसको। अब तो पहले तो गोली के जगह पर कबूतर छोड़े जाते थे नेहरू के ज़माने में, लेकिन अब बोली के जगह पर गोली छुड़ती है। यहाँ से यदि कोई बोली बोलेगा भारत के खिलाफ तो इधर से गोली चलेगी। गोली चलेगा तो बम चलेगा। अब वो भारत नहीं है कि जो है केवल केवल पड़ाका बजा करके लोग युद्ध लड़ते थे। अब भारत है कि परमाणु बम से जो है पूरी दुनिया को नष्ट किया जा सकता है। चाइना अपनी औकात समझ में आ जाएगा उसको, अभी केवल वक्त आने दें, वो समय आ गया है। अब दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। अब कोई चाहे कि जो है नेपाल जो है, माने यदि भारत के लोग यदि बढ़िया से जो है नेपाल की तरफ दृष्टि डाल दें, हैं, लघुशंका कर दें तो नेपाल बह जाएगा, हैं। और वो भी जो हमको ये दिखाता है तो ये जो है क्या है, केवल जो है उनका भ्रम है। और एक क्या कहते हैं कि नहीं क्या कि जो है कोई एक छोटी चिड़िया भी सोचती है कि मैं पहाड़ को आसमान को अपने पैरों पर उठा लूँगा, तो ये बात है। ये और भारत पहले का भारत नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत भारत के सैनिकों के सामने टिकने वाली नहीं है। यदि नेपाल जैसा कुकुरमुत्ता देश के बल पर चाइना और पाकिस्तान जैसा कुकर्मी देश, आतंकवादी देश के बल पर कोई चाहता होगा कि हम भारत से लड़ लेंगे तो भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। आज अमेरिका खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, हैं, सब देश खड़े हैं, इजराइल खड़ा है, कोई भी टिकने वाला है। तो टिकने की तो बात छोड़िए, देश विदेश की तो बाद में सहयोग लेंगे हम। भारत के सैनिकों के पास वो जज्बा है, आप देखे हो कि डोकलांग में फुटबॉल की तरह से मार करके इन सबको 300 मीटर पीछे हमारे सैनिक कर दिए। तो वही सैनिक नेहरू के ज़माने में हथियार डाल दिए थे, आज वही सैनिक डोकलांग में लातों से मार करके चाइना के सैनिक को पीछे भगा देते। अपने देश के दुश्मनों को कोसना बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कि नेताजी सही से होमवर्क करके नहीं आते, नहीं तो ये सवाल अपने सरकार से पूछते कि आखिर कब कार्रवाई करेगी 56 इंच की सीने वाली सरकार। लेकिन नहीं, नेताजी वही राग अलापेंगे जिसकी उन्हें ट्रेनिंग मिली है। नेताजी ने इस मुद्दे में भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को घसीट लिया, जैसे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं नेहरू चला रहे हों।